हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड या अनियमित महावारी के बारे में और इसके कुछ अच्छे अच्छे होम्योपैथी मेडिसिन आप लोग को बताएंगे जिसे लेके इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें जिससे उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। हमें जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड क्या है, कि एक फीमेल के लाइफ में जब प्यूबर्टी एज शुरू होती है 14 to 15 के एज में, उस समय पीरियड आती है, उसे हम मेनार्की बोलते हैं। और जब लास्ट होना होता है, जब पीरियड बंद हो जाते हैं, उसके भी एक साइकिल होते हैं कि एक एज होती है जिसके बाद पीरियड बंद हो जाते हैं, उसे हम मेनोपोज कहते हैं। इस बीच में एक नॉर्मल साइकिल चलता रहता है, हर मंथ में उसे पीरियड आती है, इसे हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। ये नॉर्मल पीरियड देखा जाता है कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में होती है, और ये हर महिला की शरीर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। किसी के 21 दिन में आते हैं तो वो नॉर्मल है, किसी को 28 दिन में आते हैं तो उसके नॉर्मल है, और किसी को 35 दिन में अगर आते हैं तो वो उसके लिए नॉर्मल है। और ये उसके पूरे लाइफ में यही चलता रहता है, एक साइकिल में चलता रहता है, तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं। और पीरियड का जो होना, मतलब किसी को 2 दिन तक रहते हैं, किसी को हो सकता है कि वो 8 दिन तक भी रहते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 4 to 5 days एक नॉर्मल होती है, लेकिन किसी को अगर हमेशा से 2 दिन ही रहते हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल है, और अगर किसी को हमेशा से 8 दिन तक रहते हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल है। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन हाँ, और कई बार होती है कि जैसे एक पीरियड ब्लीडिंग जो होती है वो एक नॉर्मल मात्रा में होती है, दिन में 2-3 पैड चेंज करने से ही उनको हो जाते हैं, लेकिन ये उसके नॉर्मल है। लेकिन जब हम देखते हैं कि 21 दिन से पहले ही उसको पीरियड आ जा रहे हैं, और हो सकता है किसी को 35 दिन के बाद भी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तब हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं या इरेगुलर बोलते हैं। कि लाइफ के कुछ टाइम तक तो उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम 21 दिन या 28 दिन में ही आ जाते थे, लेकिन अब उसको देखा जा रहा है कि कुछ महीनों से या कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उसको टाइम पे नहीं आते हैं, 21 दिन से पहले ही आ जा रहे हैं, या फिर 35 दिन के बाद भी हो सकता है नहीं आ रहे हैं, या 2-3 महीने हो सकते हैं कि पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, या 6 मंथ भी कई बार तक लास्टिंग देखा जाता है। कोई कोई पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि मुझे 6 महीने से पीरियड आया ही नहीं है, तो ये उनके लिए इरेगुलर पीरियड हम कहते हैं। या 2 दिन के जगह सिर्फ हो सकता है कि 1 दिन थोड़ा सा स्पॉट्स दिखा, बस उसके बाद वो बंद हो गया, या किसी को लंबे टाइम तक, मीन्स 8 दिन के बाद भी 10-12 दिन तक लंबा टाइम तक चल रहा है, तो हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं या इरेगुलर पीरियड या अनियमित मासिक धर्म बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस एक बहुत बड़ी कारण है, कि अगर हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो ये इसका एक कारण होता है। और हम जानते हैं कि हमारे फीमेल का जो पीरियड का रेगुलेट करने में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो भी इस तरह से हो सकता है। अगर PCOD का प्रॉब्लम है तो हो सकता है, या आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं जो हो सकता है आपने चेंज किया हो, या जो IUD अगर आपने ले रखा है तो भी हो सकता है इस तरह से परेशानियाँ कई बार हो सकता है कि आप किसी मंथ में बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत मलेरिया, टाइफाइड या इस तरह से कोई बीमारी हुआ था, उसके वजह से आपके शरीर में खून की मात्रा कमी हो गया, या ठीक से आपके प्रॉपर डाइट नहीं ले पाए, न्यूट्रिशन की कमी रही, तो भी हो सकती है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी रेगुलर पीरियड का समस्या होती है।
तो इसके बहुत अच्छे होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये यूट्रस के लिए एक टॉनिक की तरह हम देते हैं, और हमारे बहुत सारे पेशेंट इससे बहुत अच्छे रिलीफ मिले हैं, हमें मुझे बहुत थैंक्स भी देते हैं। हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि इसे बहुत जल्दी, मतलब अगर एक महीने के बाद ही उसको रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो ये दो मेडिसिन लेना है, एक तो आपको अशोका मदर टिंचर और पल्सटिला मदर टिंचर, किसी भी होम्योपैथी शॉप में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये दोनों मेडिसिन लाने के बाद में 1/4 कप वाटर में अशोका मदर टिंचर का 10 बूंद और पल्सटिला के मदर टिंचर के 10 बूंद मिला लीजिए, और 1/4 कप वाटर में थोड़ी सी, अगर हल्का लुकवार्म हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार इसे लीजिए। और दूसरे इसके साथ में लेना है बायोकॉम्बिनेशन का 15 नंबर का, छोटी छोटी टैबलेट्स फॉर्म में आती है, वो आप दिन में 3 बार लीजिए, 4-4 टैबलेट्स करके। और इसे कई बार हम पेशेंट को, मैंने जो बोला कि फर्स्ट मंथ में ही उसको रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से बोलूँगी कि अगर आपको रिज़ल्ट दिख गया फिर भी आप उसको कम से कम 3 से 4 महीना इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते रहें, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो आप 15 नंबर आप बायोकॉम्बिनेशन लेंगे, इससे कई बार होता है कि कैल्शियम कमज़ोर अगर हो गए हैं तो भी वहाँ इसमें बेनिफिट मिलती है। तो ये दो मेडिसिन जो मैंने बोला, एक तो अशोका मदर टिंचर, पल्सटिला मदर टिंचर, इन दोनों का एक साथ मिला के आप 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर के साथ लीजिए, और दूसरा बायोकॉम्बिनेशन का 15 नंबर टैबलेट्स आते हैं, वो 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार आप लीजिए, कम से कम 2 से 3 महीना लीजिए, देखिए इससे आप छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए, आशा करती हूँ शायद आपको वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलती हूँ। और अगर आप लोग को इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अगर मुझे टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर जा रहा उससे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय। Bye.